नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण जिस अश्लील वीडियो और सेक्सुअल चैट को लेकर के चर्चे में आए थे और इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार से हुई थी, डीजीपी होम सेक्रेटरी से हुई थी और पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था, उस मामले में आज बड़ी कार्रवाई हुई और वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जिन पांच आईपीएस अधिकारियों का नाम इन्होंने लिया था कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा करते हैं, उन पांचों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 14 आईपीएस अफसरों की सूची जारी हुई है, जिसमें उन पांचों को अलग अलग जगह पे, कहीं किसी को पीएससी में, किसी को कॉलेज में ट्रांसफ़र किया गया है। इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। और एक बात और आ रही है, वो ये कि अभी तक इस पूरे मामले की जांच हापुड़ के एसपी मेरठ के आईजी की निगरानी में कर रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने एक कमेटी बनाई है, अवस्थी कमेटी, जो 3 सदस्यीय कमेटी है, वो कमेटी इस पूरे मामले की जाँच करेगी। क्योंकि उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि चूंकि पाया गया कि इसमें आईपीएस के अलावा और भी लोग हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और प्राइवेट लोग भी हैं, लिहाजा कमेटी का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया। एक बात और आ रही है कि जो इनका व्हाट्सएप चैट महिला के साथ वायरल हुआ था और जो 3 वीडियो आए थे, उनको जाँच के लिए भेजा गया था और वो जाँच में ये पाया गया, ऐसा कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक लैब की जांच में पाया गया कि वो सही है, इसके बाद ही इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। और इनको सस्पेंड करने के बाद विभागीय जांच, यानी वैभव कृष्ण को सस्पेंड करने के बाद विभागीय जांच भी के भी आदेश दिए गए हैं, जो कि लखनऊ के एडीजी एसएन साबत करेंगे इनकी जांच। दरअसल जब इन्होंने, वैभव कृष्ण ने शिकायत की और जिस तरीके से गोपनीय शासन को जो पत्र भेजा था उसको लीक किया गया, तो इनके ऊपर 3 आरोप थे। एक तो महिला के साथ सेक्सुअल चैट और वीडियो, अब वो जांच का विषय है कितना सही कितना गलत, उसके बारे में जो रिपोर्ट आ रही है, अभी उसके अधिकारी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट ये आ रही है कि उसमें वो सही पाए गए हैं। और दूसरी बात आ रही थी कि इन्होंने गोपनीय पत्र कैसे लीक किया, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, ये साल के पहले दिन की घटना है, उस गोपनीय पत्र को मीडिया को उपलब्ध करा दिया था, दूसरा आरोप था। और तीसरी बात ये थी कि जो इन्होंने कहा था कि अनडेटेड इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी थी शासन को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस मामले में कार्रवाई हुई थी, लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 2 लोग अपने लिए स्टे ले आए थे, लेकिन इन्होंने ये बात कही थी कि भाई कार्रवाई नहीं हुई। तो उससे क्या हुआ कि मैसेज ये गया कि योगी सरकार जो इन्होंने रिपोर्ट भेजी थी उस जांच रिपोर्ट को दबा करके बैठ गई, उस पर एक्शन होना चाहिए था। बात तो सही है, उसी समय उसमें कमेटी बननी चाहिए थी, लेकिन उस समय तो कमेटी नहीं बनी। कमेटी तब बनी जब मीडिया में ये रिपोर्ट लीक हो गई और लीक होने के बाद फिर योगी सरकार ने इसका संज्ञान लिया, धीरे धीरे मामले ने तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद जब ट्रांसफ़र आदेश जारी हुए, उसके साथ साथ इनका सस्पेंशन का भी ऑर्डर हुआ, इनके खिलाफ विभागीय जांच अलग बिठाई गई है। और उधर से जो 5वां आईपीएस जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, उनके ऊपर आरोप था, खास तौर से जिसकी अगुवाई अजय पाल शर्मा रामपुर के एसपी कर रहे थे, उनके ऊपर ये आरोप था कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खुद भी धंधा करते हैं और उनके ट्रांसफ़र के लिए 80 लाख रुपए की बात चली थी कि मेरठ एसएसपी के लिए 80 लाख रुपया लगेगा, जिसमें से 40 लाख रुपए एडवांस देना पड़ेगा 40 लाख ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद। इस मामले में जो है 5 कथित पत्रकारों का नाम आने के बाद 4 की गिरफ्तारी तो पहले से गैंगस्टर एक्ट में है, संघ के नेताओं का भी नाम आया था जिनका कि नाम चंदन शुक्ला है और अतुल शुक्ला, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। ये जो गुट था वो लखनऊ में एग्जिस्ट कर रहा था, वहीं पे एक पत्रकार भी था, वो लोग संघ के नेता से मिलकर के ऐसा आरोप था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा करते हैं। तो इनके पत्र से पूरे शासन में और सियासी गलियारे में जो है हड़कंप मच गया था और पहली बार संघ के किसी नेता का नाम आया, हालांकि बाद में संघ के नेताओं ने इस बात का खंडन कर दिया कि नहीं, वो किसी उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी पद पे नहीं है, लेकिन पद होना ना होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि संघ के नेता का नाम आया और बिना सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण का इतना ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई धंधा नहीं चल सकता,
तो अब देखते हैं कि जांच में क्या आता है, क्योंकि जो आईजी जांच कर रहे थे, आईजी की निगरानी में जो जांच हो रही थी, अब इस कमेटी के बाद वो उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया। अब तो ये चूंकि बड़ी कमेटी बनी है, शासन स्तर से बनी है, लिहाजा जो ये कमेटी रिपोर्ट देगी वो बहुत मायने रखेगा। जैसे इसमें और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।